देखिए, यूपी की बेटियों के साथ होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के मकसद के साथ मथुरा में ऑपरेशन जागृति की शुरुआत की गई। इसके तहत दो चरणों में अभियान चलाया जाएगा और महिलाओं, लड़कियों और उनके अभिभावकों की काउंसलिंग भी की जाएगी। और ऑपरेशन जागृति 2020 में शुरू किए गए योगी सरकार के मिशन शक्ति की तर्ज पे शुरू किया गया एक मिशन है जो काफी सफल रहा। नारी शक्ति को उसकी ताकत का एहसास दिलाने और उसके साथ हो रहे अपराधों के खिलाफ जागरूक करने की ये मुहिम है। इस मुहिम का नाम है ऑपरेशन जागृति। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये मुहिम देश की बेटियों को जागरूक करने की है। महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा और उनके अधिकार दिलाने के लिए ये अभियान चलाया गया है। 1 नवम्बर को यूपी के मथुरा में मौजूद श्री कृष्ण जन्माष्टमी आश्रम में ऑपरेशन जागृति का आयोजन किया गया। आगरा जोन के एडीजी अनुपमा कुलश्रेष्ठ ने ऑपरेशन जागृति का शुभारम्भ किया। कार्यक्रम के दौरान नुक्कड़ नाटक के जरिए बेटियों को संदेश दिया गया। ऑपरेशन जागृति का मुख्य मकसद महिलाओं और लड़कियों पर हो रहे अपराधों में कमी लाना है। महिलाओं और बालिकों के सशक्तिकरण के लिए ऑपरेशन जागृति कार्यक्रम के जरिए सामाजिक जागरूकता फैलाने का काम किया जाएगा। यह अभियान 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में 3 महीने तक ऑपरेशन जागृति को संचालित किया जाएगा, जिसके तहत महिलाओं, लड़कियों और उनके अभिभावकों की काउंसलिंग की जाएगी। दूसरे चरण में इस अभियान के प्रभाव का आकलन किया जाएगा। ये सारा काउंसलिंग बेस्ड है और संवाद बेस्ड है। इसमें हम पर्सुएसिव स्टाइल में जाएंगे और हमने ये प्रण किया है कि और जो कार्यक्रम रूपरेखा बनाई है कि हम इसमें जितने भी हमारे ब्लॉक्स हैं, 62 ब्लॉक्स हैं, जितने भी हमारे 37 सर्कल्स हैं, जितने भी हमारे 130 पुलिस स्टेशंस हैं और कम से कम 300 ग्राम पंचायत, हमारे 4000 ग्राम पंचायत है, 300 ग्राम पंचायत में हम डायरेक्ट इंटरवेंशन यूनिसेफ के माध्यम और ये सारे पार्टिसिपेंट्स के माध्यम से करेंगे और बाकी जो हमारे अधिकारी हैं वो प्रशिक्षित होंगे और वो इनडायरेक्ट इंटरवेंशन के रूप में वो भी जाएंगे आगे और कार्य करेंगे। ऑपरेशन जागृति यूपी में सफल रहे मिशन शक्ति का ही एक और कदम है। महिलाओं के हक और अधिकार के लिए शुरू किया गया मिशन शक्ति काफी कामयाब रहा। 2020 में यूपी में महिला संबंधित अपराधों पर लगाम लगाने के लिए मिशन शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। मिशन शक्ति के नाम से शुरू हुआ अभियान सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की थीम पर आगे बढ़ा। इसी साल 14 अक्टूबर को मिशन शक्ति के 4वें चरण की शुरुआत की गई। यूपी के इस अभियान से प्रभावित होकर केंद्रीय स्तर पर महिला सुरक्षा के लिए चलाए जाने वाले अभियान का नाम भी मिशन शक्ति रखा गया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए योगी सरकार एक के बाद एक कई कदम उठा रही है। उम्मीद है कि मिशन शक्ति की तरह ही ऑपरेशन जागृति अपने मकसद में कामयाब होगा और बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। मथुरा से मदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।